बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट में। लोहा मार्केट की कहानी क्या है, स्क्रैप का कारोबार पाकिस्तान में कौन से दर्जे का कारोबार है और स्क्रैप से वाबस्ता कौन कौन सी अशिया है जो कि हम अपने घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ और एक मिसाल के तौर पर आपको समझाऊँ तो घर से निकलने तक, गाड़ी में बैठने तक और ऑफिस पहुंचने तक जो जो चीज़ें मेरे ज़ेरे इस्तेमाल आती हैं उसमें लोहा इस्तेमाल किया जाता है। अब लोहा पाकिस्तान की मुईशत में क्या किरदार अदा कर रहा है और लोहे की बिलखसूस स्क्रैप की कीमतें किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं, आजकल स्क्रैप की कीमत क्या जा रही है और क्या मैकेनिज्म है स्क्रैप की कीमतों का तायुन करने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान में सोने की कीमतों का तायुन किया जाता है बैन अल-अक़वामी मंडी से, इसी तरह से क्या कोई मैकेनिज्म मौजूद है स्क्रैप की कीमतों का तायुन करने के लिए, आज की टॉप स्टोरी में इस चीज़ का इंकशाफ करेंगे और आपका तारुफ करवाएंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ये लोहा मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट कहलाती है, इसका तारुफ करवाएंगे, इसकी कहानी क्या है और इससे वाबस्ता लोग कौन कौन से हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ मजदूर हैं, उनसे बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्क्रैप की सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कहलाती है, इससे आम मजदूर को क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको क्या फ़ायदा है? इसको आम मजदूर को यह फ़ायदा, इधर आते हैं गांव से काम करते हैं, यहाँ पर चलो सिलसिला चलता रहता है, यहाँ पे तो रोजगार का सिलसिला चलता रहता है। तो मसले क्या हैं आम मजदूर के? मसले ये है तो और मसला तो नहीं, काम तो सही जा रहा है, इधर रेटों के मसले हैं, बस रेट नहीं ऊपर नीचे होता है, फिर बाहर से माल नहीं आता तो काम रुक जाता है। रेट जब ऊपर नीचे होता है स्क्रैप का तो आम मजदूर को इससे मसला होता है, उसके रोजगार पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्यों नहीं, कैसे? तो फिर माल रुक जाता है ना, फिर काम ही रुक जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मजदूर भी है, डेली वेजेस पे काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अगर आपको जो माल है वो ना मिले तो आपको भी आगे से काम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जूते भी हैं बहुत सारे, तो स्क्रैप में लोहे के सामान में ये जूते क्या करते हैं? ये बाहर से सारा माल आता है ना, जूते भी आते हैं, लेनन भी आते हैं, प्लास्टिक भी आते हैं। अच्छा। सब ये आलमी मंडी है ना। अच्छा। हर चीज रहते हैं यहाँ भी बिकती। कौन से कंट्री से, कौन से मुल्क से जो सामान आता है उसमें जूतों की तादाद ज्यादा होती है? सिंध से जो माल आता है, पिंडी से आता है, यहाँ से जो आते हैं। और मुल्क कौन सा है जहाँ से सामान आते हैं, कौन कौन से ममालिक है? तो आपने शहरों की बात की, मुल्क ये पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से ही है, सिर्फ पाकिस्तान से? और कहाँ कहाँ से माल आता है पाकिस्तान के अलावा? ये काबुल से भी आता है और पेशावर से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आता है। आप क्या बताएंगे, जिस तरह से भी मैंने पीछे आपके ही मजदूर भाई से बात की है, अगर स्क्रैप की कमी पेशी हो जाती है, मार्केट रेट्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो आपकी जिंदगी किस तरह से मुतासर होती है? अभी तो जो ना ईद से लेके छोटी तो अब तक काम के हालात बहुत ज्यादा डाउन है। पहले इलेक्शन आ गए, उसके बाद अब बीस का मसला है, 14 अगस्त की छुट्टियां हैं, तो जो काम मजदूर तक बहना है इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ काम करना। अगर ये रेट कहीं यहाँ पे फिक्स हो जाए तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत बेहतर। कौन रेट फिक्स करेगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसकी कोई 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 इसका कोई इसका मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इसका? नहीं, इसका फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है। कल चौहान साहब ने जो ना हंगामी जलास बुलवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये इसका ना कोई जुगाड़ी। आमिर सदीक साहब, आमिर सदीक साहब किसी सदर है यहाँ जी जी। अच्छा। तो उन्होंने कोई करना है तो इंशाल्लाह कोई बेहतरीन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आएगी काम में। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सुन रही हूँ कि जब आपकी मंडी में फ्लक्चुएट करता है स्क्रैप की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं तो मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर होता है, कैसे? मजदूर इस तरह मुतासर होता है क्योंकि रेट एक जगह पर टिकते नहीं है, सुबह को और होता है, दोपहर को, रात को। और जब हम, ये कौन डिसाइड करता है, इसका तायुन कौन करता है? ये हमारा सदर ही है, ये इधर चौधरी हमारे में। अच्छा, ये लोग तायुन करते हैं। क्या क्या आप लोगों को परेशानियां किस बात पे होती? स्क्रैप डीलर हूँ, ये हफ्ता दो से हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ना कोई माल ले रहा है, अगर कोई ले भी रहा उसका रोड की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कोई अपना इसका है ही नहीं, कोई डॉलर की वजह से कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सियासत की वजह से कह रहा है। पाकिस्तान में इसका कोई इदारा नहीं है, कोई कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, कोई ऐसी सरपरस्ती मौजूद नहीं है जिस तरह के सोने की कीमत का तायुन बैन अल-अक़वामी मंडी से होता है उससे रिलेट करता है, यहाँ पर कोई इदारा नहीं है? यहाँ पे कोई इदारा नहीं है, जिसका दिल करता है खुद ही रेट बढ़ा देता है, जब दिल करता है पीछे से रेट कम कर देता है। अच्छा, इस बात का तायुन कौन करेगा, इदारों का या इस बात का तायुन कौन करेगा?
इसके बाद का तय इनका कोई हुकूमत होना चाहिए, इसका कोई सरबरा होना चाहिए जिसको ये रेट कोई कम करे। इतनी बड़ी मंडी है, इतना बड़ा आपको स्टेटस मिला है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आप, लेकिन इसका अभी तक कोई मैकेनिज्म, अभी तक कितने साल हो गए इस मंडी को बने? इस मंडी को बने कोई काफी 40-50 साल से ये काम चलता आ रहा है, अपने ही जोरे बाजू पर चल रही है। नाज़रीन आगे भी चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। नाज़रीन ये काम जितना आसान लगता है ये आसान है नहीं, इसकी जिंदा मिसाल अभी आपके सामने है। ये जो काम कर रहे हैं हम इनसे जानेंगे ये काम कितना मुश्किल है और ये काम दरअसल है क्या। अस्सलाम वालेकुम, जरा इसको बंद करिएगा, काफी गर्म आग की तरह ये लोहा जो है वो बिहेव कर रहा है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये काम दरअसल है क्या, क्या कर रहे हैं आप? ये चादरें बनती हैं ट्रकों की, ट्रालियों की, इन चीज़ों की चादर होती है प्लेन, ये बन के फिर ट्रालियों के मजदों के काम आती है। तो ये जो आप कर रहे हैं इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये इसको शेप में लेकर आ रहे हैं? जी, पहले ऊपर से कटाई होती है, फिर साइड से कटाई होती है, स्क्रैप उतर के उसके बाद जो है ये चादर जो है ना ऐसे तैयार होती है। तो आपने फ्लैट करना है? जी, फ्लैट करना। अच्छा, आप काफी नौजवान लग रहे हैं मुझे, इस फील्ड में आए क्यों? आपकी अपनी च्वाइस थी? नहीं, घर वालों के जो ना मायूसी, गरीबी, इस वजह से। लेकिन ये काम देखने में तो बड़ा लग्जरी है, ये काम बहुत महंगा है, ये चीज़ बहुत महंगी है, आपको कितनी उजरत मिलती है? मजदूरी करते हैं हम तो, 1200 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी है हमारी, ठीक है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके दिहाड़ी देते हैं। इस दिहाड़ी से, इस अपनी फीस से, इतने चार्जेस से आप खुश हैं, मुतमईन हैं? जी नहीं, ज़्यादा मेहनत का काम। जी, मैंने आपको देखा है कि आपने मौसम के लिहाज से गर्म कपड़े भी पहने, पर्सनल चॉइस है ये काम की वजह से, ज्यादा मोटे कपड़े पहने? जी। नाज़रीन ये इतना हार्ड काम है, और भी पीछे लोग हैं और ये हथौड़ियों के उससे इसको फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको हमवार करेंगे? हाँ जी। इस चादर की शेप में लेकर आएंगे? हाँ जी। किस तरह हो जाएगा ये इतने ज्यादा मिस्त्री? कितने घंटे में हो जाएगा ये? आधा घंटा लग जाते। कितनी ताकत लगती है इसमें? ताकत काफी लगती है। क्या आप बताएंगे कि ये कितना शिद्दत वाला है, कितना ज्यादा मुश्किल? तुम आओ ना, आओ मिस्त्री साहब। तो मुझे बताइए आप अपने काम से, अपनी मजदूरी से खुश हैं? वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन अभी क्या करें, मजदूरी तो करनी पड़ती है ना। मुश्किल है, चले रोजगार तो आपका लगा है। ये मुझे बताइए मसले क्या हैं आपके इस फील्ड से रिलेटेड, आपके मसले क्या, मसाइल क्या हैं जो आप बयान कर? साड़ी मजदूरी थोड़ी है, किराया तो रहने आपको पता है, स्क्रैप का काम दुनिया का महंगा तरीन काम है। ये लोहे का काम, स्क्रैप का महंगा तरीन काम है, मजदूरियां दे ज्यादा मिलती है। आपके लिए महंगा नहीं है? हा? आपके लिए सब चीजें जो है ना वो आपको उजरत कम मिलती है? हाँ जी, थोड़े मिल देने पैसे। बस ठीक है, कुछ बेहतरी के लिए कुछ? बस यही बेहतरी है, मतलब रोजगार है उससे आप खुश है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी चलते हैं, जरा मजीद भी लोगों से हम बात करते हैं। सर इस मार्केट के मसले, आप एक आम आदमी, एक आम दुकानदार, उसका मसला क्या है? उसका मसला तो कोई भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, कोई कीमतों के हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद है, स्क्रैप बेचना कितने का है, खरीदना कितने का है, सब इस बात का तायुन कौन करता है? ये तो मार्केट का सदर ही है ना। मार्केट के सदर करते हैं, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं? नहीं, हुकूमत का तो है ना, जो हुकूमत पीछे डॉलर महंगा करेंगी तो ये डॉलर पे असर पड़ेगा, चीजों पे असर पड़ेगा। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करते हैं और मजीद भी सामान आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस किस्म का मजीद सामान होता है। ये टीआर गार्डर्स हैं और ये छतों में इस्तेमाल होते हैं और लेंटर्स डलने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जरा बात करने के लिए यहाँ पे आइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, ये जो गार्डर्स है थोड़ा सा आगे आइएगा, बात करने में आसानी होगी। ये गार्डर्स किस चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं? ज़रई सामान में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़रई आलात बनते हैं इसके। जैसे 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 के हल हो गए, ट्राली, ट्रैक्टर और मुख्तलिफ मशीनरी के लिए। ठीक है, और भी हम आपको यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं और भी हम लोगों से बात करते हैं। ये गार्डर्स का काम यहाँ पे भी हो रहा है और मेहनत का काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं लोहे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? था। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये कटाई कर रहा हूँ। कुछ कटाई करके आप इसको एक सिंपल शेप में लेकर आएंगे? जी जी। उससे क्या होगा? ये फिर ऐसे सिंपल शेप में बेच देंगे ना। इससे क्या बनेगा? इससे काफी चीजें बनती हैं, कोई स्क्रैप में इस्तेमाल होता है, कोई मशीनरी में इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ उसमें भी चीजें,
सब चीज़। अच्छा, आप एक आम मजदूर हैं, आपकी उजरत आपसे खुश हैं? जितना महंगा ये देखने में लगता है लग्जरी काम है, लेकिन ये उतना है नहीं। नहीं नहीं, उजरत आपका कौन तायुन करता है? उस आपकी उजरत कितनी होनी चाहिए, आपका मुआवजा कितना होना चाहिए? मुआवजा तो बस काम के लिहाज से ठीक है अभी फिलहाल, लेकिन यह है कि जिस तरह महंगाई है उसकी वजह से ना पूरा नहीं होता, नहीं होता। और अब कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए मार्केट बंद भी होगी। जी जी, सुना। उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं, मजदूर तबका सारा वो गरीब घर में बैठेंगे, आगे से ईद आ रही है। पूरे इलाके में कुल कितने मजदूर होंगे अंदाजे के मुताबिक? काफी, कम अज कम कोई लगभग कोई 2-3 हज़ार तो होगा मजदूर। मजदूर होगा, ठीक है। नाजीन, बाहर भी बहुत से लोग जमा हो चुके हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मजदूरों में हर उम्र का यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पे बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं और यहाँ पे जवान भी बड़ी तादाद में जो है काम कर रहे हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से? हाँ जी, पाकिस्तान से। कौन से इलाके से? पंजाब से, इधर लाहौर में। लाहौर में। इस काम से कितना खुश हैं? ये काम आपको कितनी तकलीफ देता है? बहुत मुश्किल काम है हमें, हम पूरी दिहाड़ी में भाग भाग कर, अभी एक गाड़ी भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं बना। अभी एक दिहाड़ी मुकम्मल नहीं है। कितने घंटे में आपकी एक दिहाड़ी मुकम्मल हो जाती है और वो कितने की होती है? करीबन 24 घंटे की 800-900 रुपया मिलती है दिहाड़ी, 24 घंटे काम करने के बाद। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक। अच्छा, ये मुझे बताइए आपके यहाँ ये जो लोहा है इससे क्या बनाते हैं आप? इससे मशीनें वगैरह बनती हैं, बस हम सेल करते हैं। आप रॉ बेचते हैं इस लोहे को? जी। आता कहाँ से? ये इधर मार्केट से लेते हैं, बाहर से आता बस। अगर मैं पूछूँ आपके मार्केट के मसाइल क्या हैं, मजदूर के मसाइल क्या हैं, तो आप बयान कर पाएंगे? बस नॉर्मली है इस टाइम, तो कुछ भी नहीं है। ये जा रहा है कि कुछ ऐसा बहरान भी है जिसकी वजह से मार्केट को शायद बंद भी करना पड़े? हाँ, काम तो है नहीं है, सुबह के मुफारिक बैठे हैं बस। हाँ, काम वगैरह नहीं आए। इसकी वजह क्या है? बस देख लें, बाप की बताओ, हमें तो इतना नहीं। आप तो इस मार्केट से वाबस्ता है, मैं तो आ जाई हूँ। सारे भाई जान जो इधर जितने भी हैं सारे फारिग बैठे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। आपके मजदूर हैं, यंग हैं आप, मसला कोई आपको हो अगर आप बयान करना चाहते तो आपका मसला क्या है? कोई भी नहीं, हम मजदूरी करते हैं इधर। मजदूरी करते हैं और चले जाते हैं, उजरत कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, कभी नहीं मिलती। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटे हम काम करते हैं। 24 घंटे काम करते हैं? मजदूर लेबर लॉ मजदूर के कवानीन के खिलाफ है ये बात, तो जो 24 घंटे आप काम करते हैं उन 24 घंटों की तनख्वाह आपको मिलती है या सिर्फ एक दिहाड़ी? 24 घंटों की तनख्वाह। कितनी? जितनी हम करते हैं, हमारा ठेका होता है। आपका ठेका है, ठीक है। आपका मेडिकल आप अपने आप तौर पर खुद अपने टेस्ट करवाते हैं, दवाइयाँ खुद लेते हैं या आपको कंपनी या आपको कोई सनअतकार वगैरह? नहीं, कोई नहीं, हम आप करते हैं। ठीक है। नाज़रीन, हमने आपकी मजदूरों से मुलाकात करवाई और यहाँ पे हमें एक छोटा भी नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली अमन। अली, आप भी यहाँ पर लोहे का कारोबार करते हैं या कोई और? चाय वाला काम करते हैं। अली यहाँ पर सबको चाय देता है। अली, आपकी उजरत कितनी है? 7,000। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको अली से भी मिलवाया, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिलाया, यहाँ के मजदूरों से भी मुलाकात करवाई और यहाँ के मसाइल भी आपको बताए। अब आपको ही इस बात का अंदाज़ा लगाना है और आने वाली हुकूमत को ही इस बात का हल तलाश करना है कि यहाँ के मसाइल हल किस तरह से करने हैं और इस इंडस्ट्री को एक इदारा किस तरह से बनाना है और टैक्स के पैसे किस तरह से कौमी ख़जाने में डालने हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, तमाम मुलाकातें आपसे करवाएँगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।